तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग के साथ एक नया मेंबर है, हम लोग के साथ में साहिल पाटिल। इस बार भी हर टाइम की जैसा सब लोग ने टांग दिया हम लोग को। इस बार जग्गू एंड टाइम पे बीमार पड़ गया, बोल रहा है मेरे को बुखार है, तो वो नहीं आ रहा है। और ऋतुराज जो हमेशा की तरह एंड टाइम पे बोलेगा कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वैसे वो आज भी नहीं आया है। कल रात तक वो आ रहा था और आज नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग के साथ सारस, सारस इसकी मम्मी भी मना कर रही थी, नहीं, ये भी उठ के आया आया बेचारा, फिर भी आया ना। मम्मी तो गाली खाने से अच्छा तो आ ही जाए। हाँ, तो जाते हम लोग को लग रहा था कि यार हम लोग दोनों ही जाएंगे, मैं और सत्यम, क्योंकि ये भाई बोल रहे थे कि मैं बाथरूम में था इसलिए इसने फोन नहीं उठाया। बाथरूम में था ना तू? तो अभी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से निकल गए हम लोग, ऑलमोस्ट वज्रेश्वरी पहुँच गए हम लोग, वज्रेश्वरी क्रॉस कर दिया हम लोग, और अभी वज्रेश्वरी से आगे हम लोग ये रूट पे। तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर है, अजून तरी 30-32 किलोमीटर, 30-32 किलोमीटर है यहाँ से मौलीगढ़। तो बारिश भी है, हम लोग को लगा नहीं था आज इतना बारिश रहेगा, फिर भी है इधर बारिश। पीछे का व्यू तो देखो यार, देखने जैसा व्यू है पीछे, देख रहे हो आप। तो हम लोग ने अंबाड़ी नाका से राइट ले लिया है और यहाँ से हम लोग को दीघाची तक स्ट्रेट जाना है। ये दीघाची वाला रोड आएगा आगे, तो ये रास्ता मेन है। अब भूलना मत कि अगर आप ब्रिज के नीचे पहुँच जाओ तो ब्रिज से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको राइट लेना। बारिश ने परेशान कर रखा है, इसे फटके लग रहे हैं ना, बहुत भारी है, ऐसे फटके लग रहे हैं ना। आगे का व्यू देखने के लिए हम तरस रहे हैं। अरे अरे अरे, इतना क्लोजअप मत ले, गुड मस्त नहीं मतलब, अरे शांत बूढ़े चल ले राइट का, गुड मस्त नहीं मतलब, कुठे राइट तो राहिला भाई ना, कुठे सांगणार कोण रे, कसला हा गुगल मॅप उघडत बसला, मग सांगत नाही, अरे पण उघडायला तर पाहिजे का नको गुगल मॅप, येडा अरे खरंच येडा काय त्यात, मी इसको ये भाई इसको कभी लेके नहीं जाना जिंदगी में, एक नंबर का नेविगेटर है ये, सबसे खान के बाद हम लोग ने जंगल वाला रूट लिया है और उसके बाद अभी ऑलमोस्ट मतलब 10 किलोमीटर है इधर से। इसका ख्याल रखना गाइस कि अगर आप इधर आओ तो पानी खाने का जुगाड़ पहले से करके आओ। हमारे जो साहिल भैया है वो नेचर का बड़ा आस्वाद ले रहे थे, लेकिन बारिश हो गया है वापस, उन्होंने हेलमेट पहन लिया। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पे सारस के मामा के यहाँ पे, सॉरी साहिल के मामा के यहाँ पे आए थे हम लोग। तो हम लोग अभी साहिल के मामा के यहाँ पे गए थे, ये थोड़ा उल्टा रास्ता है, हम लोग को ये रास्ते से जाना है और ये रास्ता यहाँ पे, तो थोड़ा उल्टा आ गए थे हम लोग। तो हम लोग का और आधे घंटे का इधर टाइम पास हो गया, आधा घंटा हम लोग का वेस्ट हो गया। पानी का बॉटल लेना था खाने के लिए, अभी तक कुछ नहीं लिया था, जस्ट अभी हम लोग खाने के लिए एक्चुअली थोड़ी दूर दुकान कर करके आधे घंटे का रास्ता लेके आए हम। 6 किलोमीटर हम लोग पीछे आ चुके हैं, 6 किलोमीटर अभी वापस रिटर्न जाना है और वहां से हम लोग को आगे वाला रास्ता पकड़ना है। तो गाइस अभी पानी का बॉटल लिया है, 4 पानी का बॉटल, खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। ये भाई का टाकी फिर से फुल हो गया, अभी बस ट्रिक चालू कर रहे हैं हम लोग, बज गाड़ी खड़ी की वहाँ पे, बस अभी निकल गए हम लोग। आप इधर गांव वाले से पूछ, मेरे को वो बैग थामते हुए लोग, आप अगर गांव वाले से पूछोगे तो वो लोग एकदम डिटेल में रास्ता बताते हैं। अरे वेरी हेल्पफुल, हाँ बोल सर, हमेशा की तरह मेरे को बैग थमा कर ये लोग आराम से चढ़ने वाले, तो अभी देखते हैं मेरी क्या हाशर होती है। नहीं नहीं, ज्यादा टाइम कोई नहीं रखेगा, बैग चेंज होते रहेगा। एक्चुअली कैसा है वो डिलीवरी मैन बोलते हैं मुझे लोग, सच्ची का समझ लिया। चला पुरानो ऑफ टू बाउली, चला 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 चलो चलो, पहले क्लियर कर रहा हूं। अभी बैग को लेके इन लोगों का झगड़ा चालू हो गया अभी से, अभी हम लोग चल रहे हैं मौलीगढ़। वापिस हर बार की तरह हमें एक साथी मिल गया, बाबा
तो अभी यहाँ से हम लोग को चल के जाना है। ये आप पीछे देख रहे हो, हमें यहाँ पे चढ़ना है ऊपर। ये पूरा यहाँ से रास्ता है, यहाँ से सीधा जाना है। और ये भाई हम लोग को अभी डायरेक्शन देंगे कि कहाँ से हम लोग को पहाड़ तक का रास्ता मिलेगा और वहाँ से हम लोग को चढ़ के ऊपर जाना है। आज अपने पास पेड़ गाइड है। पेड़ गाइड है तो भाई संभाल गए रुपये सर, मैं गिरा हूँ पत्थर पे चिंचोटी में। तेरे से भी भारी तो निप्पू गिरा था। अरे ऋतुराज बोलने का, अरे हमारा निप्पू ही है वो, जुगनू है। चल चल अंक पर वर्ती, चल चल अपन वर्ती जाऊँ। इसके लास्ट वाले जो ब्लॉग था उसमें भी अपने को एक साथी मिला था आते टाइम, रिटर्न आते टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग थोड़ा झरने वाले रास्ते से गए थे। अब अरे लेकिन गिर जाएंगे भाई। हाँ? एक भाई इसका आवाज है, इसका ही आवाज है। कैमरा अगर बंद कर दूं मतलब गलती है यार इधर। और अभी हम लोग का ऐसा हो गया कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे पर अभी यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता हम लोग को मिल रहा ही नहीं। हाँ इसको मिल गया, एक बंदे को हम लोग का रास्ता मिल गया, इसको ऊपर का रास्ता मिल गया। अभी हम लोग को यहाँ से ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि दो रास्ते हम लोग ने देखे जहाँ से हम लोग चढ़ नहीं सकते। एक तो ये अपना ये वाला रास्ता, ये नहीं चढ़ सकते, ये वाला भी नहीं चढ़ सकते, पूरा स्लिप कर रहे। तो अभी ऊपर वाला एक रास्ता मिल गया, हम लोग वहाँ से जाएंगे। अभी ये इधर से पूरा पानी का रास्ता पकड़ पकड़ के हम लोग को चलना है ऊपर तक। ये ले पकड़, आराम से आराम से। वो देखो वो भी आया। बहुत कठिन परिस्थिति है गाइस। है उत्तर वैसी उतर उनको रास्ता ये चले गए। चल भाई चलो चलो उतर। इतना क्या देख लिया? ये भाई ये लोग ने क्या देख लिया, जरा जाके देखते। ओ क्या व्यू है भाई, सुपर। कितने वाटरफॉल है इस जंगल में, मतलब पहुंचते पहुंचते हम लोग ने कितने वाटरफॉल देख लिए अभी तक। पूरी तरह से भीग गया, बारिश भी हो रही है, बीच बीच में चालू है, आधे रास्ते में बारिश है आधे रास्ते में नहीं है। अभी ये बहुत बड़ा वाटरफॉल हम लोग को दिखा यहाँ पे, देखो हम लोग को जाना है पुलिस रास्ते से भाई, वाटरफॉल तक नहीं जा पाएंगे, सॉरी वाटरफॉल, हम लोग को यहाँ से जाना है। आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हम लोग, अभी तो पहाड़ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को एक और एक वाटरफॉल दिख रहा है, थोड़ा दूर है, आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो शायद दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो थोड़ा फॉगी टाइप दिख रहा है पर दिख रहा है। गाइस इतना तेज बारिश है कि क्या बोलो, हम लोग की चढ़ते चढ़ते एकदम हालत खराब हो गई है। ये वही वाटरफॉल है जो आपको रुपेश भाई नीचे से दिखा रहे थे ना, ये वही वाटरफॉल है। ये अपना सामने वाला रास्ता देख रहे हो, ये वाटरफॉल के नीचे से हम लोग को जाना है, रास्ता क्रॉसिंग है।
तो ये रास्ता हम लोग क्रॉस करके जाने वाटरफॉल के नीचे से। ए चले ये क्या माला, अरे चला गया तो यही मैं चलो उसमें ही। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के अंदर से वाटरफॉल के नीचे से। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इतना ऊपर चढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से अभी ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत फॉग हो गया है यहाँ पे। और ये देखो अपना झरना। बारिश होगी तो आओ ही मत यहाँ पे। हम लोग आधा पहाड़ चढ़ चुके हैं अभी, और अभी हम लोग को और इतना चढ़ना है। ये रहा हमारा, हम लोग जो नीचे से जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े थे कुछ भी नहीं दिखने वाला क्योंकि पूरा यहाँ पे भी बहुत हाइट पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हम लोग अभी। और यहाँ से कितना चलना है, यहाँ से और कितना जाना है, यहाँ से और 800 फुट
जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।